हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं पांच ठंडी खाद के बारे में बात करूंगी, जिसमें दो इंडोर प्लांट्स के लिए हैं। यह है ठंडी खाद, जिन्हें आप मई जून के महीने में दे सकते हैं। इससे हमारे सभी इंडोर प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे, ग्रोथ उनकी रुकेगी नहीं। दूसरी है आउटडोर प्लांट्स के लिए, जो कि बिना फूलों वाले हैं, उसके लिए दो ठंडी खाद है, जिससे कि ये प्लांट्स भी अपनी ग्रोथ पर रहेंगे, कूल रहेंगे, ठंडे रहेंगे और मई जून की भयंकर गर्मी में भी अच्छे से चलते रहेंगे। एक खाद फूलों वाले पौधों के लिए होगी, जो कि जिसमें मई जून में भी फ्लावरिंग प्लांट्स करते रहते हैं। एक एंड में स्पेशल टिप्स, जिसके लिए आपको वीडियो का एंड तक देखना है और इन वीडियो को फॉलो करके आप अपने प्लांट्स को बहुत अच्छे से सर्वाइव करा सकते हैं। तो पहली ठंडी खाद है इंडोर प्लांट्स के लिए, ये आप बायो एंजाइम देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बायो एंजाइम तो नहीं है, तो क्या किया जाए? उसका भी सॉल्यूशन है, ये है केले के छिलकों का बायो एंजाइम। यदि आपके पास नहीं है, बनाया नहीं है, तो आप अपने 4-5 दिन या कम से कम 24 घंटे के लिए केले के छिलकों को पानी में भिगाकर रख दीजिए। गर्मियों के दिनों में बहुत ही जल्दी वो फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। 24 घंटे के बाद आप अपने पानी में डाइल्यूट करके साफ पानी मिलाकर अपने पौधों में दे सकते हैं। ये एक लाइट फर्टिलाइज़र है और ठंडा है, तो इससे घबराइए मत, हमारे पौधे ख़राब नहीं होंगे। बायो एंजाइम यदि आपने पहले से बनाया हुआ है, तो इसकी मात्रा थोड़ी कम मिलाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और यदि हम ताज़ी बनाते हैं तो वो थोड़ा हल्का होता है, तो उसको हम ज़्यादा भी दे सकते हैं। घर के बनाए हुए छिलकों से ये बनाई गई खाद है, जो कि ऑर्गेनिक है और ये एक ठंडी खाद है। इसे आप अपने पौधों में 15 दिन के अंतर पर दे सकते हैं। बहुत जल्दी जल्दी नहीं देंगे, क्योंकि गर्मियों में पौधों की ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है। यदि आपके प्लांट्स अंदर रखे हैं, तो आप उसको जब भी आपकी मिट्टी सूखेगी, तभी आप इसके पानी को दीजिएगा। गीली मिट्टी में इस पानी को आप बिल्कुल भी मत दीजिएगा। यदि आप इसका बायोएंजाइम बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। बायोएंजाइम की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, फर्टिलाइज़र की प्लेलिस्ट है, उसमें सभी तरह के बायोएंजाइम को बनाना मैंने सिखाया हुआ है, जिसमें प्याज के छिलकों का, संतरे के छिलकों का, एक पेस्टिसाइड और एक केले के छिलकों का, इन सभी को बनाने का सही तरीका उस वीडियो में है। यदि आप उसे देखेंगे, तो इस समय भी आप अपने फर्टिलाइज़र को तैयार कर सकते हैं। दूसरी इंडोर प्लांट्स के लिए खाद बनाने चलते हैं अपने किचन में। कुकर में डालेंगे हम कुछ आलू, और जिनको उबालेंगे हम आलू के पराठे बनाने के लिए, और उसके बाद जो ये पानी बचता है, इसे हम नहीं फेंकेंगे। ये पानी भी हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। अपने सभी इंडोर प्लांट्स में इस पानी को आप डाइल्यूट करके, ठंडा करके अपने इंडोर प्लांट्स में दे सकते हैं। इसका भी प्रोसेस यही है, आपको इसे डाइल्यूट करना है। आप ज़्यादा आलू हैं, तो आप उसको ज़्यादा पानी रखेंगे, तो ज़्यादा ही डाइल्यूट भी करेंगे। ये मेरा पानी कम है, तो मैं इसमें कम डाइल्यूट करूँगी। आलू भी मेरे कम ही थे, तो इसलिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। इसको डाइल्यूट करेंगे, क्योंकि बॉयल किया हुआ है, काफ़ी अच्छा इसमें न्यूट्रिशन होता है। ये भी एक ऑर्गेनिक खाद है। यदि आप अपने इन दोनों खाद को एक एक महीने में भी देते हैं, तो आपके प्लांट्स के लिए काफ़ी है, अपने इंडोर प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक फर्टिलाइज़र आप मई में दीजिए और एक फर्टिलाइज़र आप जून में दीजिए। दो महीने में आप एक एक फर्टिलाइज़र अलग अलग बदल कर देंगे, तो हमारे प्लांट्स भी हैप्पी रहेंगे। एक ही फर्टिलाइज़र प्लांट्स को नहीं देना चाहिए, बदल बदल कर जरूर दीजिए, क्योंकि हर खाद में हर न्यूट्रिशन नहीं होता है। अगला खाद है हमारा आउटडोर प्लांट्स के लिए, जिसमें कि फ्लावरिंग नहीं होती है। तो सबसे पहले चलते हैं हम एलोवेरा की तरफ। इस पर हमें खाद देना नहीं है, इससे हमें अपना खाद बनाना है। तो इसकी कुछ पत्तियां हम ले लेते हैं। एलोवेरा काफ़ी ठंडा होता है, इसमें जेल होता है। हमारी स्किन अगर जल जाए, तो ये एलोवेरा भी हमें काफ़ी ठंडक देता है हमारे जले पे, और हमारे जलन को ख़त्म कर देता है, इसलिए ये काफ़ी ठंडा होता है। पानी में हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। दूसरा है हमारे तरबूजे के छिलके, इनको भी हम पानी में डालकर ढक कर रख देंगे 24 घंटे के लिए। इसमें हम खरबूजे के छिलके भी ऐड कर सकते हैं। 24 से 48 घंटे के बाद आप इस पानी को डाइल्यूट करके इसमें पानी और साफ़ पानी भरेंगे, और इसको डाइल्यूट करने के बाद आप अपने पौधों में दे सकते हैं, जिसमें कि फूल नहीं आते हैं। ये एक हल्की और ठंडी खाद है, इसे आप चाहें तो अपने इंडोर प्लांट्स में भी दे सकते हैं। ये खाद अपने सभी पौधों के लिए बेस्ट है। दूसरी खाद बनाते हैं, जिसमें हमें चाहिए एक कॉफ़ी पाउच। यदि हम मई जून के महीने के लिए फर्टिलाइज़र बनाते हैं, तो कॉफ़ी पाउच की मात्रा बहुत कम कर देंगे। यदि हम ठंडे मौसम या फरवरी में देते हैं, तो कॉफ़ी पाउच की मात्रा बढ़ा सकते हैं।
तो हमने अब लिए हैं अपनी सब्जियों फलों के छिलके, जिसमें आप सभी हरी सब्जियों के छिलकों को ऐड कर सकते हैं। इसे आप अपने जेट प्लांट जैसे उन सभी पौधों में दे सकते हैं जिसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। ये एक ठंडी खाद है और इसे 15 दिन के अंतराल पर दीजिएगा। मिट्टी सूखने के बाद ये फर्टिलाइज़र दिए जाएँ तो ये बहुत अच्छे काम करते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रहते हैं। इन सभी बनी हुई ताज़ी खाद को उतना ही बनाइए जितना हमारे प्लांट्स को देना है। एक बार में देने के बाद उसको फेंक दीजिए, क्योंकि गर्मी तेज होने की वजह से उसमें कीड़े भी हो सकते हैं। 7 दिन के बाद इस खाद को मत यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है फूलों वाले पौधों के लिए फर्टिलाइज़र, जो कि सबसे अच्छा और बेहतरीन खाद है। ये है हमारे प्याज के छिलकों का पानी। प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र बनाइए। इसके साथ में आप एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं, यदि आपको अपने पौधों को झुलसने से बचाना है। आपको इसे डाइल्यूट ज़्यादा करना है। यदि आप इसे मई जून की गर्मी में दे रहे हैं तो इसको कम बनाइए और इसमें पानी ज़्यादा मिलाइए। और यदि हम इसे फरवरी मार्च में देते हैं तो हम इसको थोड़ा हैवी बनाकर भी दे सकते हैं। और इसको इस समय देने के लिए आप गैपिंग थोड़ी ज़्यादा रखिए देने की। आप चाहें तो 10 दिन में दे सकते हैं। यदि आपके पौधों पर, उन पौधों पर जिसमें डेली फूल खिलते हैं, डेली झड़ते हैं और ज़्यादा मात्रा में फूल खिलते हैं, आप उसमें फर्टिलाइज़र 10 दिन के अंतराल पर दे सकते हैं। लेकिन खाद जरूर दीजिए यदि पौधों में फ्लावरिंग हो रही है। जैसे कि मोगरा का पौधा है, रात को फूल खिलते हैं और सुबह को झड़ जाते हैं। खाद देने के बाद आप देख सकते हैं कितनी सारी बर्ड्स इसमें बनी हुई हैं। काफ़ी वीक पौधा है लेकिन फिर भी इसमें कलियां बहुत सारी हैं। लेकिन मैंने इसकी सभी कलियों को काट दिया था। क्यों काटा था मैं आगे की वीडियो में बताऊँगी। नेक्स्ट है ये हमारा पॉट प्लांट का, जिसमें कि डेली फ्लावरिंग होती है। इसमें भी हम इस खाद को 10वें दिन पर दे सकते हैं। और ये है मेरा आलमंडा का प्लांट, इसमें भी डेली फ्लावरिंग होती है और इसमें मैं यही फर्टिलाइज़र देती हूँ। डेली 4 से 5 फ्लावर खिलते हैं, अभी प्लांट छोटा है। ये है गुड़हल का पौधा। गुड़हल के पौधे के लिए कॉफ़ी पाउडर, चाय पत्ती और प्याज के छिलकों का पानी बेस्ट रहता है। इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं मेरे इसी फर्टिलाइज़र की वजह से। और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी छोटा है क्योंकि मैंने इसे प्रून कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल टिप, ये है बायोएंजाइम के बारे में। बायोएंजाइम यदि आप बनाना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। इस समय आप बायोएंजाइम तैयार कीजिए, बहुत ही जल्दी से बायोएंजाइम बनकर तैयार हो जाएगा। बायोएंजाइम बनाने वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोगरा की वीडियो मैं कुछ दिनों के बाद अपलोड करूंगी, उसको देखने के लिए कि मैंने इसकी कलियों को क्यों काटा था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो देख पाएँ। वीडियो यदि पसंद आया हो, यूज़फुल हो, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।